सबसे पहले तो मैं कैलिग्राफी कंपोज करूँ. सो आई एम यूजिंग दिस रहमान कैलिग्राफी. ये मैंने पहले ही ऑरिजिनली बनाई थी तो मैं इस पर यूज़ करूँगा. ठीक है, ठीक है. और आप मोस्टली आपके बिगिनर्स हैं ये. और कैलिग्राफी के लिए हम लोग का इस तरह के कट ब्रशेस यूज करते हैं क्योंकि हाँ कट पेन की तरह होते हैं क्योंकि इससे अल्फाज की जो लुक आती है ना, जो स्ट्रोक होती है, जैसे आप यहाँ पे देखें, जैसे शुरू हो रहा है ना शुरू से, वो काफी स्मूथली होता है. कैलीग्राफी को कंपोज करने के लिए आप सॉफ्ट पेस्टल की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है और उससे कैलीग्राफी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बन जाता है. और आप चॉक भी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली रिमूव हो जाता है किसी भी वेट टिश्यू से या वेट कपड़े से. सॉफ्ट पेस्टल भी आसानी के साथ रिमूव हो जाता है. आप किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को गीला करके अगर रिमूव करेंगे तो बहुत आसानी से वो रिमूव हो जाता है और जितना भी चॉक होता है वो उतर जाता है और आपकी सिर्फ कैलीग्राफी रह जाती है. जब आप कैलीग्राफी किसी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड में करते हैं ना तो हम सेंटर में कैलीग्राफी को रखते हैं. अगर आप इसमें सेमी एब्स्ट्रैक्ट है तो मैं साइड में कैलीग्राफी कर रहा हूँ. और जो सबसे इजी मेथड है इसलिए मैं इसलिए यहाँ पे ग्रिड बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. तो कैलीग्राफी को भी यहाँ पे ना आ जाए या वहाँ पे चले जाए, एक सेंटर पॉइंट है उसे. बहुत ही रफली कैलीग्राफी का एक डिजाइन बनाना होगा जो एक ही स्ट्रोक में होगा, मतलब एक ही लाइन में होगा. उसके ऊपर हम ब्रश से ही कैलीग्राफी को आप लोगों. मेरी जितनी भी हैवी टेक्सचर वाली एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी पेंटिंग होती है उसमें मैं पहले ही कैलीग्राफी कंपोज कर लेता हूँ. फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मेरा स्ट्रोक कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे कैलीग्राफी आनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए. तो ये टेक्निक आप भी यूज़ करें ताकि आप भी बहुत आसानी के साथ कैलीग्राफी कर सकें. ये टेक्निक मैंने अपनी कैलीग्राफी की 2 डेज़ वर्कशॉप में सिखाई. हमारे पास सिर्फ कैलीग्राफी का एक ही दिन था, उसी में मैंने ये टेक्निक सिखाई क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट टेक्निक थी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स सारे बिगनर्स थे और उनको शुरू से कैलीग्राफी सिखाना बहुत मुश्किल था. तो ये टेक्निक सबसे ईजी थी और सबने बहुत अच्छी कैलीग्राफी की. जब हम कैलीग्राफी करते हैं ना तो हमारा मेन मेन टाइम कंज्यूम करता है तो कंपोजिशन करता है और दूसरा जब हम ब्रश के साथ बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं. अगर मैं कुछ डार्क जैसे यहाँ पे काफी डार्क आ रहा है तो हम यहाँ पे व्हाइट पेस्टल इस्तेमाल करते हैं. अगर आपकी पूरी फेस भी डार्क हो जो मैं कैलीग्राफी के लिए पेंट यूज़ कर रहा हूँ वो मॉन्टमार्टी का फॉइल पेंट है जिसका पिगमेंट बहुत अच्छा होता है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा होता है. और आप इसको ब्लूबर्ड के 24 कैरेट गोल्ड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको और भी यूनिक और येलोइश जैसा गोल्ड बनाना है तो. और आप मैक्रो के साथ भी इसके शेड मिक्स कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल गोल्ड के साथ या फिर सनसेट गोल्ड के साथ, तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर आएगा और काफी यूनिक लुक आएगी जो दूसरे आर्टिस्ट नहीं बना सकेंगे. अगर आप में से किसी ने पहले यूज किया, सिल्वर है और गोल्ड है और कैलीग्राफी को इम्प्रूव करने की जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो ये है कि आपकी कैलीग्राफी की जो रिदम और स्पीड हो वो एक मीडियम फ्लो पे आए, ना वो बहुत ज़्यादा हो ना वो बहुत कम हो, ताकि आपके ब्रश जो स्ट्रोक्स हो ना आपके कैलीग्राफी के वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लगे और ज़्यादा फ्लो में आए, तभी आपकी पेंटिंग में एक प्रोफेशनल लुक आएगी और पेंटिंग्स की खूबसूरती बाहर आएगी. बहुत पेशेंस के साथ करना पड़ता है. आपको पता चला क्योंकि क्यों मैंने यहाँ पे वो व्हाइट पेस्टल से लाइन लगाई थी, ताकि जो मेरी स्ट्रोक है बिल्कुल सीधी आए.
और कैलीग्राफी के ब्रश पे भी हम बहुत लाइट ब्रश रखते हैं, इवन जब हम पेंटिंग से भी काम कर रहे होते हैं उससे भी कम लाइट प्रेशर रखते हैं। अगर ज्यादा प्रेशर रखेंगे तो वहां पर रुक जाएगा और ये फिल्म स्मूथ एक लाइट है। जब आप अपनी कैलीग्राफी स्टार्ट कर लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड मूवमेंट को कंट्रोल रखें, क्योंकि जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतनी अच्छी कैलीग्राफी होगी, और ये कंट्रोल आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा फ्लो आएगा और उतनी ज़्यादा आपकी कैलीग्राफी में फिनिशिंग आएगी और काफ़ी अच्छी, फिर टाइम के साथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कैलीग्राफी ऑलरेडी कलम से आती है तो आप अपना यूनिक कैलीग्राफी कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। अगर नहीं आती तो आप पिंट्रेस्ट या डिफरेंट वेबसाइट होती है जहाँ से आप फ्री कॉपीराइट कैलीग्राफी कॉम्पोजिशन डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपनी कैलीग्राफी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। या आप पेंटिंग भी कर सकते हैं या कलम से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन जो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो वो ऑप्शन आप ले लें। जो एंड की स्ट्रोक होती है आपने देखा, पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की पूरी, फिर एंड की स्ट्रोक्स को मैंने इसके कॉर्नर से बिल्कुल इक्वल कर दिया जो एक अल्फाज के लोग होती है। जो मीडियम मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी लिक्विड टाइप में है और उसकी फॉर्म काफ़ी, जो उसका पिगमेंट है वो काफ़ी लिक्विड टाइप में, और उससे कैलीग्राफी करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप एक्रेलिक से काम करें तो उसमें थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा आपको, ताकि उसका जो पिगमेंट है वो काफ़ी फ्लो में आ जाए और आपकी स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छी हो जाए। और अगर आप ऑयल्स पेंटिंग से काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑयल मीडियम ऐड करना पड़ेगा, फिर ही आपकी कैलीग्राफी ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा जब आप कैलीग्राफी कर रहे हो। दुनिया में जितने भी मास्टरपीस पेंटिंग्स हैं और उस पर जितने भी आर्टिस्ट ने काम किया है, वो सारी पेंटिंग में आप एक चीज़ देखेंगे कि कोई भी पेंटिंग होती है उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है कि कौन से ब्रशेस से आपको काम करना है, किस तरह मीडियम को बनाना है, कौन से मीडियम के साथ किस चीज़ पर ज़्यादा अच्छा असर आएगा और कौन सी चीज़ ज़्यादा खूबसूरती के साथ आएगी। तो इन चीज़ों का आप जब ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो आपके आर्टवर्क में खुद ही एक खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी और आपका काम भी ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और स्टेप बाय स्टेप ना एक चीज़ सीखें फिर दूसरी चीज़ सीखें, एक साथ नहीं सारी चीज़ें आपने सीख ली फिर एकदम से आपने आर्टवर्क शुरू कर दिया, ऐसे करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। से छोटे छोटे स्टेप से आप आगे जाएं और इसी तरह अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। अगर अभी तक आपने कैलीग्राफी अभी तक स्टार्ट नहीं की तो ये आपके साथ, ये आपके पास बेस्ट चांस है कि आप अभी कैलीग्राफी स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी टेक्निक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी और आप इन टेक्निक से कुछ सीखेंगे अगर आप कैलीग्राफी बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर कोई भी आप स्टाइल ट्राई करें, फॉर एग्जांपल वो एब्स्ट्रैक्ट हो या मॉडर्न टेक्सचर आर्ट हो, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। सो आप
सीखने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके काम में फ्लो आए और आपका काम और निखरे। सो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर मैं इसमें फ्लैट रेस्ट यूज़ करता तो कभी भी ये जैसे कॉर्नर के लिए